गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी स्टार्ट द रीडिंग ऑफ यूनिट 2, सो टेक आउट योर एसएसटी बुक्स एंड कीप योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स। कम टू द पेज नंबर 5। पेज नंबर 5, लेसन 2, आवर सोसाइटी। आवर सोसाइटी मीन्स हमारा माशरा। इट्स कीवर्ड्स आर जर्नलिस्ट, मैगजीन्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, रूरल एरियाज, सेविज, पोल्यूटेड। नाउ स्टार्ट द रीडिंग। अस्सलामु अलैकुम, आई एम अहमद, मेरा नाम अहमद है। माई फादर इज अ जर्नलिस्ट, मेरे वालिद सहाफ़ी हैं। ही ऑलवेज टेल्स मी टू वर्क हार्ड टू सेव द कंट्री। वो हमेशा मुझे बताते हैं कि मेहनत करो और अपने मुल्क की खिदमत करो। ही सेज, वो कहते हैं, दैट वी ऑल टुगेदर कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय एजुकेटिंग आवर सेल्फ। वो हमेशा कहते हैं कि वी ऑल टुगेदर, हम एक साथ, कैन कंट्रीब्यूट, शराकत करके टू सोसाइटी, माशरे में, बाय एजुकेटिंग आवर सेल्फ, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, एंड देन यूजिंग ऑल आवर नॉलेज एंड स्किल्स, और हम अपना तमाम इल्म और हुनर इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस ही सेड टू मी, एक दिन उन्होंने मुझे कहा, बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक सहाफी होने के नाते, आई राइट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, मैं अखबार और मैगजीन में लिखता हूँ, टू कीप पीपल इन्फॉर्म ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस, ताकि लोगों को ये मालूम रहे कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, एंड व्हाट डेवलपमेंट्स आर टेकिंग, और क्या तरक्की हो रही है, टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस पूरी दुनिया में क्या तरक्की हो रही है। दिस सेटिस्फाइड माई पेशेंस फॉर हेल्पिंग अदर। दिस सेटिस्फाइड, ये मुझे मुतमईन करता है, माई पेशेंस, मेरा जज्बा फॉर हेल्पिंग अदर्स, ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। कम टू द पेज नंबर 6। जस्ट लाइक अहमद फादर, अहमद के फादर की तरह, अ सोसाइटी नीड्स अ प्रोफेशनल एंड स्किल पीपल टू वर्क एफिशिएंटली। एक माशरे को प्रोफेशनल, पेशेवर लोग, एंड स्किल पीपल, हुनरमंद लोग, टू वर्क एफिशिएंटली, जो कि मुअस्सर तरीके से काम कर सकें। माशरे को किन लोगों की ज़रूरत है? प्रोफेशनल लोगों की और हुनरमंद लोगों की, जो कि मुअस्सर तरीके से ऐसा काम करें जो कि असरअंदाज हो सके। सच एज डॉक्टर्स, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, वकील, बिजनेसमैन, कारोबारी शख्स, टीचर्स, उस्ताद, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, टेलर्स, दर्जी, फैक्ट्री वर्कर्स, कारखाने में काम करने वाले लोग, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, एसेट्रा। पीपल इन अ सोसाइटी फुलफिल द नीड ऑफ वन अनदर एंड वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व पब्लिक इशू। माशरे में जो लोग रहते हैं, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की जरूरियात को पूरा करते हैं, एंड वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, टू रिजॉल्व पब्लिक इशूज, अवाम के मसाइल को हल किया जा सके। सम की पब्लिक इशूज, कुछ जो है वो अवामी मसाइल ये हैं, वाइल लिविंग इन अ कम्यूनिटी, जब आप किसी एक इलाके में रह रहे होते हैं, समटाइम्स वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स, तो हमें बहुत सारे मसाइल को सामना करना पड़ता है। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, इनमें से कुछ ये हैं। शॉर्टेज ऑफ स्कूल, स्कूल की कमी होती है उस इलाके में। वी डू नॉट हैव इनफ स्कूल एंड ट्रेन टीचर्स, हमारे पास जो है वो स्कूल नाकाफ़ी होते हैं, और तजर्बाकार असाज़ा की कमी होती है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, ख़ास तौर पर देहाती यानी गांव वाले इलाके में। दिस प्रॉब्लम नीड अर्जेंट अटेंशन, इस मसले की तरफ जो है वो ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, बिकॉज एजुकेशन होल्ड्स द की टू अ ब्राइट फ्यूचर,
क्योंकि तालीम जो है वो जो है आपको एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाती है। पुअर सेवरेज सिस्टम, गंदे पानी की नालियों का निजाम। एवरी डे हर रोज वी कुक, डू द लॉन्ड्री, हम खाना बनाते हैं, डू द लॉन्ड्री, अपने कपड़े वगैरह धोते हैं, वॉश कार्स, गाड़ियाँ साफ करते हैं, टेक शॉवर्स, अपना नहाते हैं, फ्लश द टॉयलेट एंड डू मैनी अदर थिंग्स विद वाटर, और वॉशरूम वगैरह में जो हम पानी यूज़ करते हैं और बहुत दूसरे काम जो हम पानी के साथ करते हैं। वेयर डू यू थिंक ऑल द वेस्ट वाटर एंड्स अप? आप क्या सोचते हैं कि ये तमाम पानी जो है वो कहाँ ज़ाया हो जाता है, जाकर कहाँ जाता है? समटाइम्स दिस सीवेज इज़ नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, कभी कभार जो है ये गंदा पानी जो है, सेवरेज का जो पानी है वो पूरे सही तरीके से फेंका नहीं जाता या उसको ख़त्म नहीं होता। इट कलेक्ट्स ऑन रोड, बल्कि ये सड़कों पर जमा होना शुरू हो जाता है एंड स्ट्रीट और गलियों में, बिकॉज ऑफ पुअर सेवरेज सिस्टम। एक कमज़ोर जो है वो नालियों का जो निज़ाम, गंदे पानियों का निज़ाम है, उसकी वजह से सारा पानी जो है वो नालियों में जाने की बजाय रोडों और सड़कों पर गलियों में आ जाता है। इट आल्सो गेट मिक्स विद वाटर सप्लाई लाइन्स, और ये साफ पानी की पाइपलाइंस के साथ मिक्स हो जाता है, कॉजिंग डिजीज और बहुत सारी बीमारियों का वजह बनती है, लाइक क्लोरा एंड डायरिया एसेट्रा, जैसे कि हैजा और इसहाल। इसहाल का मतलब है मोशंस वगैरह जो लगते हैं वगैरह, ऐसी बीमारियों का बाइस बनता है। थैंक यू।